नमस्कार, केपीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नमिता और आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हरदोई के थाना कछौना क्षेत्र में कोथावा संडिला मार्ग पर अहिरावा मोड़ समीप शव रख कर किया चक्का जाम। मैनीगंज कोतवाली क्षेत्र के अटिया शाहपुर गांव निवासी अजय उर्फ विजय अवस्थी 27 वर्ष एक बैग में रखे 20,000 रुपए लेकर अपने चचेरे भाई श्यामजी अवस्थी के साथ बाइक से मंगलवार को कल्याण मन निवासी मोनू राठौर, दिलीप राठौर और फुरकान से मिलने गया हुआ था। देर शाम अजय का शव कछौना थाना क्षेत्र में कोथावा संडिला मार्ग पर अहिरावा धर्मकांटे के पास रोड पर पड़ा हुआ मिला। आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस व 108 एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इसकी सूचना परिजनों को देकर एम्बुलेंस से कोथावा को लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए हरदोई भेजा था। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को पुलिस ने परिजनों को बुधवार देर शाम सौंप दिया। शव आने के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गुरुवार को सुबह 8 बजे कछौना थाना क्षेत्र में कोथावा संडिला मार्ग पर अहिरावा मोड़ समीप शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। सूचना पर पहुंचे कोतवाल बैनीगंज ब्रजेश राय ने परिजनों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो कप्तान को बुलाने पर अड़े रहे। 2.5 घंटे बाद पहुंचे सीओ बघोली अवधेश कुमार पांडे ने आधे घंटे मशक्कत करने के बाद तत्काल कार्यवाही का आश्वासन देकर परिजनों को मनाया। करीब 3 घंटे बाद कोथावा संडिला मार्ग खुलवाया जा सका। सीओ बघोली अवधेश कुमार पांडे ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, कार्यवाही की जा रही है। भाई आपका नाम क्या है? क्या मामला है? यहाँ पे जो मर्डर हुआ है, जो एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? नितिन कुमार अवस्थी। किसके साथ घटना घटित हुई? क्या नाम है इनका जो खत्म हुए हैं? विजय कुमार अवस्थी। क्या हुआ इनके साथ, कुछ बता सकते हैं? ये रात को जो है बाहर गए हुए थे, दोपहर से किसी के साथ, उसके बाद जो शाम को घटना जो एक्सीडेंट दिखाया गया, गवर्नमेंट मर्डर हुआ है इनका, इस तरीके से घटना वहाँ पे मौजूद मिली है रात को। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं, जो कप्तान साहब आए उनकी बातचीत हो। अच्छा, जब तक कप्तान साहब नहीं आएंगे तब तक आप बॉडी नहीं हटाएंगे? नाम है आपका? पिताजी का नाम? महादेव साहब अवस्थी। कौन से गांव में रहते हो आप? अटिया साहब। अटिया साहब। थाना कौन सा लगता है? क्या है मामला, ये आपने सौ रख के क्यों जाम वाम लगाया, क्या है मामला? ये 302 का वो साथ में श्याम जी गए, उनके साथ में एक अशोक मिश्रा भी थे जी। उसके बाद में वो दोनों आदमी नहीं मिले, उनके चप्पल मिले जी। उसके बाद वो कुछ भी नहीं हुआ, उसके नीचे वाला जो है उसको खत्म ही कर दिया गया जी। करके जी ये चोट मारी नहीं गई, ये मारी गई उसको जान से मार के रोड पे लेटा दिया गया। बोलेरो का निशान भी तय था वापसी आने का संडी जी, क्यों उलाकू चौकी तक पहुंची नहीं होती, एक्सीडेंट हुआ वहीं तक गई, उसके बाद गाड़ी फिर वापस चली गई संडी तक जी जी जी। उसके बाद से मतलब जो मतलब मृतक है उनका नाम क्या है? जो मतलब मृतक है उनका नाम क्या है? विजय अवस्थी। पिताजी का नाम? उनके नाम अरुण कुमार अवस्थी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? अटिया साहब। अटिया साहब। ये मतलब घर से कहाँ बता करके निकले थे? घर से 12 बजे निकले हैं, श्याम जी इनके साथ निकले। 12 बजे दोपहर को? हाँ 12 बजे दोपहर को। साथ में इनके कौन था? श्याम जी थे। अच्छा अच्छा। उनके बाद वही फोन नहीं उठा रहे, वही कुछ पता नहीं बता रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, स्विच ऑफ जा रहा है, उनकी फोन लगा रहे हैं तो अभी बताते हैं। टन्नू का लगाया तो कह रहे हम भरते हैं, वो कल भत्तू लाया तो वो भी लंगड़ा रहे थे, सुबह आए हमारे यहाँ मिट्टी वगैरह दारू पी के हंगामा मचा रहे हैं जी जी। श्याम जी के पिताजी का नाम क्या है? दीपू प्रसाद। और ये कहाँ के रहने वाले? ये रहने वाले, इनसे कोई मतलब नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ ये इनसे कोई वास्ता नहीं, खाली मतलब अशोक मिश्रा से है जी। और श्याम जी यही दोनों आदमी पता लगा सकते हैं कैसे क्या हुआ, जब पुलिस आने जाने मिल जाए जी जी जी। तो आप मतलब आप जाम वाम लगाए थे तो मतलब कैसे पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको कार्रवाई के नाम पर? कार्रवाई के नाम पर दिया, एप्लीकेशन दे दिया जी। 300 लोग उन्होंने किया है जी जी। परेशान मत हो, जो होगा हम तुम्हारे पक्ष में ही करेंगे, जीता होगा जी। 300 लोग होंगे जी, हिसाब से हम जो है वो करेंगे, इस हिसाब से। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? हमको उचित न्याय दीजिए, इनको सजा दीजिए।